सुप्रभात दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो अभी तक आप लोगों ने मूड मीन के रिगार्डिंग एक्सरसाइज 14.1 में जो मीन के रिगार्डिंग थी वो सारी बातें आपने पढ़ ली। उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि इसका हमने तीन वीडियो बनाया था। पहली वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन बताया था जिसमें हमने आपको सारी बातें बिना किसी क्वेश्चंस के छोटा सा क्वेश्चन लेके समझाया था। दूसरा, हमने इसके लिए ऑल एग्जाम्पल सॉल्व किए थे और तीसरा हमने ऑल एक्सरसाइज सॉल्व किया था। ठीक, तो मीन को हमने तीन भागों में डिवाइड करके बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपने वो तीनों देखा होगा तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मीन में आपको अब कोई डाउट नहीं रह गया होगा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 14.2 का मोड। मोड जो है वो वन ऑफ द इजिएस्ट चैप्टर है, वन ऑफ द इजिएस्ट एक्सरसाइज है, इसलिए हमने इसमें कोई इंट्रोडक्शन नहीं बनाया। इंट्रोडक्शन इसलिए नहीं बनाया क्योंकि जब हम इस एक्सरसाइज को बता रहे होंगे ना तो आप आसानी से सारी बातों को समझ जाओगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक, तो इसलिए हम इसको सारे क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है, उसको बताकर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे और आप आसानी से समझ लोगे। यानी ये जो वीडियो होने वाली है ये है क्लास 10th के स्टैटिस्टिक्स का एक्सरसाइज 14.2 मोड। इसके अंदर हम ऑल क्वेश्चंस बताएंगे, जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। तो जैसे कि आपने मीन देखा होगा तो हम आपको थोड़ा सा क्लास 9th का रिवीजन कराते हैं, उसके बाद क्लास 10th पे आते हैं। तो उसी तरह जो क्लास 9th में हमें मोड पढ़ना है, आप मोड पढ़ रहे हैं 10th के रिगार्डिंग, तो हम इसके रिगार्डिंग क्लास 9th भी पढ़ लेते हैं। ठीक, क्लास 9th में जो आपको मोड पढ़ना है वो एग्जैक्टली है कि मोड, जैसे देखो क्लास 10th में आपको पढ़ना है कि ऐसे इंटरवल्स वगैरह दिए जाएंगे उसका मोड निकालना, और क्लास 9th में आपको ऐसे पूछ दिया जाएगा फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ठीक, जैसे आपके पास दे दिया जाएगा क्वेश्चन में 2, 3, 4, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 5, 4। अब इसमें कहता है कि बताइए मोड क्या होगा। तो देखो, जब भी बिना इंटरवल के कोई डाटा गिवन हो, जैसे क्लास 9th में होता था, और क्लास 10th में जब इंटरवल पे डाटा गिवन हो तो इसको बनाने का अलग तरीका, जब बिना किसी इंटरवल के डाटा गिवन हो उसमें अगर आपको मोड निकालना हो तो मोड का सिर्फ एक ही तरीका है, फ्रीक्वेंट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या मतलब इसका सर? या इसको दूसरी भाषा में कह सकते हो मोड नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या मतलब? जैसे इसमें देखोगे कि 2 देखो कितनी बार है, 1, 2, 3, 4 बार, यानी 2 जो है वो 4 टाइम्स है। अच्छा, 3 1 बार 2 बार एंड 3 बार, 3 जो है वो 3 टाइम्स है। उसी तरह 4 जो है वो 2 टाइम्स है। यानी इस जो गिवन डाटा है इसमें सबसे ज्यादा बार, सबसे ज्यादा कौन सा नंबर है? तो आप बोलोगे सर सबसे ज्यादा बार 2 है, तो इसका मोड हो गया 2। समझे कि नहीं समझे? बोलो एकदम आसान तरीके से। यानी क्लास 9th में जब भी आपको मोड पूछा जाएगा तो आप ये देखोगे कि सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है, जो भी डाटा गिवन होगा ना, तो कौन ज्यादा बार है, यानी 2 सबसे ज्यादा बार इस डाटा में है। अगर 3 होता तो 3 हो जाता मोड। ठीक है, यानी जिस जो डाटा गिवन है उसमें जो नंबर सबसे ज्यादा बार होगा वो मोड हो गया। आसान भाषा में समझ गए, यानी जो सबसे ज्यादा बार है वो मोड है हमारे पास। इसमें कोई कौन डाउट नहीं। जैसे अगर मान लो एक और एग्जांपल ले लो ना, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 3। अब इसमें देखो 2 कितनी बार है, 1, 2, 3 बार है, 3 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम है। सबसे ज्यादा इसमें कौन सा नंबर है? 3 है, तो इसका मोड हो गया 3। दैट्स इट। क्लास 9th में मोड के रिगार्डिंग सिर्फ यही बातें पढ़नी है। तो मोड आपको क्लास 9th का समझ में आ गया होगा। फिर आप वही सवाल अगर पूछते हो कि सर आप क्लास 9th क्यों बता रहे हो, तो हमने बताया कि कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन क्लास 9th के रिगार्डिंग पूछ दिए जाते हैं, तो इस पार्ट को इरेज कर दे। यानी क्लास 9th का मोड आपको ओवरऑल समझ में आ गया। अब देखो, क्लास जैसे क्लास 9th का मोड इजी है, उसी तरह क्लास 10th का मोड भी इजी है। क्लास 10th के मोड में भी हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को लर्न कर लेना है और उसके बाद सारी कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगी। जैसे हम बनाकर आपको दिखाते हैं, मतलब जैसे मीन के रिगार्डिंग हमें देखना पड़ता था कि डीआई निकाले, यूआई निकाले, मतलब इतना दिमाग नहीं लगाना है हमें मोड में।
मूड में हम आपको एक फॉर्मूला लिख के देंगे और उस फॉर्मूला में जो जो चीज दिया गया उसको कैसे निकालेंगे वो एक शॉर्टकट तरीके से जल्दी जल्दी में बताएंगे और आप समझ जाओगे आसान भाषा में एकदम। देखो क्लास टेंथ में जो आपको मूड पढ़ना है उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। मूड जो क्लास टेंथ में आपको पढ़ना है जिस पर जहां पर आपको इंटरवल्स वगैरह दिए जाए। क्लास नाइन्थ में क्या था अभी देख लिया आपने, इंटरवल्स नहीं थे सीधा नंबर थे तो आपने बोल दिया जो ज्यादा बार है वो मोड है। क्लास टेंथ में अगर आपको मोड पढ़ना है तो एक फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू, ये एक फॉर्मूला आपको याद कर लेना है बस। अब क्वेश्चन देखना है, कहता है द फॉलोइंग टेबल शो, ये पहला नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.2 का, इसके एग्जांपल्स एक है वो क्यों बताना, इतना इजी है ना कि अगर ये समझ में आ गया तो एग्जांपल आप खुद से कर लोगे, जहां पे थोड़ा सा भी अलग होता है उसके एग्जांपल को बता देते हैं। कहता है द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ अ पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर, यानी छह ऐसे पेशेंट है जो 5 से 15 साल के है, 11 ऐसे पेशेंट है जो 15 से 25 ईयर के है, 21 ऐसे पेशेंट है जो 25 से 35 ईयर्स के है, 23 ऐसे पेशेंट है जो 35 से 45 ईयर के है, 14 ऐसे पेशेंट है जो 45 से 55 ईयर के है और 5 ऐसे पेशेंट है जो 55 से 65 ईयर के है। कहता है फाइंड द मोड एंड द मीन, अब इसमें मीन भी निकालना है तो इसका जो मीन है आप खुद से करो, ठीक, डू इट बाय योरसेल्फ, आप इसको खुद से करो। क्यों खुद से करें सर, क्योंकि मीन में हमने बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन करके अच्छे से सारा क्वेश्चन बताया, तो इसके अंदर इस एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ हम मोड क्वेश्चन बनाते हैं जहां पे मीन लिखा होगा वो आप खुद से करना। तो कहता है फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा गिवन बिलो, कंपेयर एंड इंटरप्ट द टू मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, उन दोनों को कंपेयर करके बता दो कि क्या आ रहा है दोनों, मीन की वैल्यू और मोड की वैल्यू। तो हमने बोला मोड आप मीन आप खुद से निकालो, मोड इस एक्सरसाइज में आप पढ़ने आए हो तो हम आपको मोड बताते हैं। सबसे पहला आपको चेक करना है कि जो दिया गया है, हमने आपको बताया था कि इंटरवल के बाद जो भी चीज दी जाए इसको क्या बोलते हैं, ये सारी चीजों को बोलते हैं क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, या जैसे 5 से 15, 15 से 25, दीज आर द क्लास इंटरवल्स। उसके अलावा जो भी दिया जाए उसको हम बोलते हैं FI यानी फ्रीक्वेंसी। तो देखो इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है, 23, तो F1 बराबर हो जाएगी 23, ठीक। उसके बाद 23 जो फ्रीक्वेंसी है उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी क्या है, 21, तो F0 बराबर हो जाएगी 21। 23 जो फ्रीक्वेंसी है उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी क्या है, 14, तो F2 हो जाएगी 14। अच्छा जो 23 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसका लोअर लिमिट क्या है, देखो इस वाले पोर्शन को पहले वाले को बोलते हो लोअर लिमिट और दूसरे वाले को बोलते हो अपर लिमिट, तो 23 का लोअर लिमिट क्या है, तो L की वैल्यू हो जाएगी 35। और H जानते हो क्लास की साइज, यानी इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 5 से 15 में 10, 15 से 25 में 10, 25 से 35 में 10, यानी H की वैल्यू हो गई 10। बोलो ओवरऑल बात समझ में आया नहीं आया, फिर से आराम से एक क्वेश्चन को समझ लो, आगे का क्वेश्चन आप खुद कर लेना, हम बना के तो दिखा देंगे लेकिन एक क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कहता है F1 वो होगा जिसमें जिसके पास ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी होगी यानी दूसरी भाषा में लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक, लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो होगा F1 और इनटू H भी होता था, यहां पर H लिखना भूल गए, ठीक। मोड इज इक्वल टू ये वाली फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू H, H इसलिए निकाला। देखो तो कहता है F1 जो होता है वो ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी या लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी होता है, जो भी आपको टेबल दिया जाए उसमें देखो कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो 23, तो वो हो जाएगा F1 और जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी उसी क्लास को बोलते हैं मॉडल क्लास, क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास, नॉट गैस, मॉडल क्लास, ठीक। अभी जस्ट किसी बच्चे को हमने केमिस्ट्री पढ़ाया था वो ध्यान में था मेरे पास, ठीक। मॉडल क्लास यानी जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो वाली जो क्लास होती है उसको कहते हैं मॉडल क्लास, और उसकी एल जो होती है वो होती है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट, 23 वाली मॉडल क्लास है इसकी लोअर लिमिट 35। तो देखो 23 F1 हो गया, 35 L हो गया। अब F0 होता है फ्रीक्वेंसी
प्रीसीडिंग, क्या प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब पहले, मॉडल क्लास, जो फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास से पहले हो, फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी, देखो एफ नॉट 21 है और एफ वन होता है, एफ टू होता है, एफ वन तो वही हो गया मॉडल क्लास वाली हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, एफ टू होता है फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग, सक्सीडिंग मॉडल क्लास। देखो ये सब चीजें हमें लिखने के बिना भी काम हो जाता, लेकिन बच्चों में प्रॉब्लम ये है कि एनसीईआरटी में वो देखेंगे बोलेंगे फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग मॉडल क्लास, मतलब यानी ये जो सबसे बड़ा है ये एफ वन हो गया, इससे पहले वाला एफ नॉट हो गया, और इसके बाद वाला एफ टू हो गया, और इसका लोअर लिमिट एल हो गया, और इसके बीच का गैप एच हो गया। बोलो बात समझ में आ गई। अब इन सारे चीजों को पुट कर लो और आपका आंसर आपके हाथों में होगा ओवरऑल। तो यही पूरे एक्सरसाइज में आपको करना है, यही सेम कॉन्सेप्ट आपको पूरे एक्सरसाइज में यूज करना है, कहीं कोई और कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं करना है। तो यहां से आपने ये सारी वैल्यू निकाल ली, फॉर्मूला में पुट कर दिया, तो आपने बोला मोड इज इक्वल टू मीन, आप खुद से निकाल लेना, एल, एल की जगह डाला आपने 35 प्लस ब्रैकेट डाला, एफ वन की जगह आपने डाला 23 माइनस, एफ नॉट की जगह डाला आपने 21 अपॉन 2F1, यानी F1 जो भी है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस एफ नॉट 21 माइनस F2 14 ब्रैकेट क्लोज कर लो इनटू H इज 10। अब इसको सॉल्व कर लोगे, व्हाट एवर बी द आंसर यू विल गेट दैट वुड बी द मोड ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी। आगे बात समझ में, तो 23 माइनस 21 इज 2 इंटू 10 इज 20, ये तो 10 अपॉन 1 ही होगा ना, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर में आ गया 20, यहां पर आपके पास आ गया 2 इंटू 23 इज 46 माइनस, इन दोनों को ऐड कर लोगे क्योंकि माइनस माइनस है, तो 415 एंड 213 35, एच की भी यूज हो चुकी है, यहां से आपके पास आ जाएगा 35 प्लस 20 अपॉन, इसको सबट्रैक्ट करो तो 6 माइनस 5 इज 1, 4 माइनस 3 इज 1 अपॉन 1, ये आ गया 35 प्लस, इसको डेसिमल में चेंज कर लो, तो आप बोलोगे 11 वन जा 11, 9 इज द कैरी, 11 8 जा 88, 2 इज द कैरी 1, हाँ मतलब 1.8 लिख सकते हो, यानी ये ओवरऑल 36.81 आ गया मोड। बोलो स्टोरी समझ में आई, यानी ओवरऑल आपके पास मोड का फॉर्मूला है L प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच। एफ वन निकालने का तरीका जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, एफ नॉट निकालने का तरीका जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उससे एक पहले वाला, एफ टू निकालने का तरीका है जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसके एक बाद वाला फ्रीक्वेंसी, और एल निकालने का तरीका है जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसका क्लास इंटरवल देखो, उसमें जो सबसे छोटी वाली वैल्यू मतलब लोअर लिमिट जो है उसको लिख दो, 35 से 45 में लोअर लिमिट पहले वाले को बोलते हैं, दूसरे वाले को अपर लिमिट कहते हैं, और एच निकालने का तरीका है कि क्लास के बीच का साइज कितना है, यानी इन दोनों के बीच में गैप्स कितने हैं, वो लिख दो एच की जगह और सॉल्व कर लो, एंड व्हाट एवर बी द आंसर यू विल गेट दैट वुड बी द मोड। और इस क्वेश्चन में मीन भी निकालना था, और मीन के रिगार्डिंग हमने बहुत अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन किया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग मीन निकाल लोगे खुद से, हम तो इस एक्सरसाइज में मोड बताने आए हैं, तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। और आते हैं हम इसके सेकेंड क्वेश्चन पे, अब हम जल्दी जल्दी बता देंगे, पहले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लिया ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आए। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। लाइफ टाइम इन आवर फ्रीक्वेंसी, यानी 10 ऐसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जिसकी लाइफ टाइम 0 से 20 घंटे है, 35 ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है जिसकी लाइफ टाइम 20 से 40 आवर है, 52 ऐसे है जिसकी 40 से 60 आवर है, इसी तरह 29 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज ऐसे है जिसकी 100 से 120 आवर तक की लाइफ टाइम है। कहता है डिटरमाइन द मॉडल क्लास मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट, यानी मोड निकालना है। मोड के लिए हमने आपको फॉर्मूला अभी अभी लिखा था, क्या लिखा था, एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू ब्रैकेट इनसाइड इनटू एच। हमने बोला था कि एफ वन होती है जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है,
इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है 61। देखो इससे बड़ी कोई है नहीं, जो इंटरवल के बाद ये वाली चीज क्लास इंटरवल है, और क्लास इंटरवल के बाद जो भी चीज दी जाती है उसको एफ आई बोलते हो फ्रीक्वेंसी, और यहां फ्रीक्वेंसी लिख के दी गई है। सबसे बड़ी कौन सी है 61, तो एफ वन हो गई 61। एफ नॉट 61 से पहले वाली क्या हो गई, एफ नॉट इज 52। 61 से बाद वाली दैट इज एफ टू इज 38। एंड एल क्या होगी, जो 61 है इसका लोअर लिमिट क्या है, ये वाली मॉडल क्लास है इसकी लोअर लिमिट क्या है 60, तो एल हो गई 60। और एच क्या होगी भाई, 0 से 20, 20 से 40 के बीच में गैप कितना है, 20 का गैप है, तो एच हो गई 20। अब इन सारी चीजों को यहां पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे, एंड वी विल गेट द मोड ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एल की जगह हमने डाल दिया 60 प्लस ब्रैकेट के अंदर, एफ वन की जगह डाल दिया 61 माइनस, एफ नॉट की जगह डाल दिया 52 अपॉन 2 इंटू 61 क्योंकि 2 इंटू एफ वन है, माइनस एफ नॉट की जगह 52 माइनस एफ टू की जगह 38 ब्रैकेट क्लोज इंटू एच की जगह 20। अब इन वैल्यू को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर हमारे हाथों में होगा। चलिए ऊपर वाला कुछ पार्ट इरेज कर देते हैं, ये सॉल्व करने के लिए जगह चाहिए, इसके लिए आप कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया है आपने। यहां से देखो आपके पास मोड इज इक्वल टू हो जाएगी 60 प्लस ब्रैकेट इनसाइड 61 माइनस 52 करोगे तो 52 प्लस 8 एंड 1 9, 9 आ जाएगा अपॉन 61 इंटू 2 करोगे 2 एंड 6 टू जा 12 माइनस, इन दोनों को जोड़ोगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 प्लस 2 इज 10 एंड 5 प्लस 3 इज 8 एंड 1 इज द कैरी इज 9, 90 इंटू एच की जगह है 20। अब यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ओवरऑल क्या मिलेगा 960 प्लस, आराम से जल्दीबाजी किसी बात की नहीं है, आराम से किसी भी क्वेश्चन को करोगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपको मिल जाएगा 60 प्लस 9 इंटू 2 इज 180, डायरेक्ट लिख दे 180, देखो ना ये और ये मल्टीप्लाई ही होगा ना, अपॉन इन दोनों को सेपरेट करोगे तो 2 माइनस 0 इज 0 और 16 माइनस 9 इज 7, 70 हो जाएगा। अब यहां से 0 से सॉरी 2 माइनस 0 इज 2 नॉट 2 0 2 आ जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व कर लोगे तो आपके पास है 60 प्लस 180 को आप अगर 72 से डिवाइड करते हो तो आपको 1 बार में मिल जाएगा कुछ नहीं, आपको 7 2 जा 14 7 3 जा 3 2 बार में मिल जाएगा 2 2 जा 4 7 2 जा 14, यहां से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 माइनस 4 इज 6 एंड 7 माइनस 4 इज 3, डेसिमल दोगे 0 आ जाएगा, कितनी बार में दोगे 7 5 जा 5 2 जा 10 7 5 जा हाँ यस ये पूरी पूरी कट जाएगी इससे 5 2 जा 10 एंड 7 5 जा 35 एंड 1 36 यानी आ गया 2.5, इसको जोड़ोगे तो ये हो गई 62.5 इज द मोड ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो आसानी से समझ में आया, ये देखो ना आपको 62.5 में कट गया, इसको आप काटोगे तो 2 बार में दोगे तो 2 2 जा 4 7 2 जा 14 10 माइनस 4 इज 6 एंड 7 माइनस 4 इज 3 360 आ गया, डेसिमल देने के बाद 5 दिया तो 5 2 जा 10 1 इज द कैरी 7 5 जा 35 एंड 1 36 यानी 2.5 में कट गया और ये इसका मोड हो गया। बोलो ओवरऑल स्टोरी समझ में आई, कोई डाउट नहीं। अब आते हैं इसके थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, तो आपने देखा कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत ईजी होने वाले हैं, अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन बनाने के बाद कॉन्सेप्ट समझ में आ गया या सेकेंड क्वेश्चन बनाने के बाद कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो यहां से स्किप करो और आगे बढ़ जाओ जहां पे हम आपको मीडियन बता रहे होंगे, ठीक, क्योंकि तो ज्यादा टाइम क्यों आप वेस्ट करोगे एक ही चीज को देखकर। हाँ लेकिन मेरा तो अपना फर्ज बनता है, दायित्व तो बनता है कि अगर हम चीजें बता रहे हैं तो एक एक पार्ट को बताएं। फिर इस थर्ड क्वेश्चन में कहता है द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज, फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑल्सो फाइंड द मीन, इसको आप कर लो खुद से,
क्योंकि अभी अभी आपने बहुत सारा क्वेश्चन किया है मीन का, इसका मीन आप खुद से निकाल लो। कहता है 24 ऐसे फैमिलीज है जिनमें 1000 से 1500 का खर्चा है, उसी तरह 7 ऐसे फैमिली है जिसमें 45 से 500 मंथली एक्सपेंडिचर होता है। ठीक, ये मंथली एक्सपेंडिचर है और ये नंबर ऑफ फैमिलीज है। इसमें आपने देखा कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है, 40, इससे बड़ी कोई है नहीं है। तो आपने बोल दिया कि सर F1 बराबर हो गई 40। फिर आपने बोला कि इससे एक पहले वाला हो गया F0 is 24, इसके एक बाद वाला हो गया F2 is 33। जो 40 फ्रीक्वेंसी है उसकी लोअर लिमिट यानी L हो गई 1500 और H इन दोनों के बीच में गैप कितना है, तो 500 का, तो H हो गई 500। बोलो समझ में आया, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 40 तो F1 हो गई, इससे पहले वाली 24 F0 हो गई, इसके बाद वाली 33 F2 हो गई, और 40 की जो लोअर लिमिट थी वो L हो गई जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी थी, और H जो क्लास के बीच का साइज है। अब फॉर्मूला यूज कर लो, मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। अब यहां से L की जगह आप बोलोगे सर 1500 है, डाल दिया, प्लस F1 की जगह बोलोगे 40 है, डाल दिया, माइनस F0 की जगह 24 है, डाल दिया, अपॉन 2F1 है यानी 2 × 40 है, माइनस F0 is 24 माइनस F2 is 33 इंटू H is 1500 डाल दिया आपने। अब यहां से आपके पास हो गया 1500 प्लस 40 − 24, 10 − 4 = 6 एंड 3 − 2 = 1, 16। ये हो गया 40 × 2 = 80 माइनस, इन दोनों को तो ऐड करोगे माइनस माइनस में है, तो 4 + 3 = 7 एंड 3 + 2 + 3 = 5, 57 मल्टीप्लाइड 500। ये हो गया आपके पास 1500 प्लस, इन दोनों को तो चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, और 65 जा होता है 80 और 2 0 है, तो ये हो जाएगा ना आपके पास 5 6 30 एंड 5 3 8 80 अपॉन 8000 अपॉन, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 − 7 = 3 एंड 7 − 2 = 5। ये आपके पास आ गया। अब आप क्या करोगे कि 23 को इरेज कर दे कुछ पार्ट को, मीन इसका आप खुद से निकालोगे, क्योंकि मीन के लिए हमने बहुत सारा चीज आपको समझाया है। यहां से आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, तो 23 से 8000 को डिवाइड करो, यहां से आपने 3 बार में दिया, 3 3 = 9, 3 2 = 6, यहां से 10 में से 9 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 0 डाला आपने इसको 4 5, 5 3 = 15, 5 2 = 10 एंड 1 11, नहीं 4 बार में दिया, 4 3 = 12, 1 is the carry, 4 2 = 8 एंड 1 9, 10 − 2 = 8 एंड 10 − 9 = 1, 18 बचा, एक 0 लिख लिया आपने। अब इसको आपने दिया 6 2 = 12, 7 2 = 14, 8 2 = 16, 8 3 = 24, 16, यानी 7 बार में दिया, तो ये हो गया 7 3 = 21, 2 is the carry, 7 2 = 14 एंड 2 is 16, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 10 − 1 = 9 एंड 7 − 6 = 1, डेसिमल दिया 0 आए, इसको आपने 8 बार में दे दिया, तो 8 3 = 24, 8 2 = 16, 9 बार में दे सकते हो, 9 3 = 27, 2 is the carry, 9 2 = 19, 20, नहीं दे सकते, यानी आपको ओवरऑल मिल गया 1500 प्लस 347.8, इसको ऐड कर लोगे तो 0.8 रह जाएगा, 7 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये आपके पास ओवरऑल इसकी मोड हो गई। बोलो स्टोरी को समझ पा रहे हो, इसमें कोई डाउट हो रहा है, नहीं बात, बाकी कैलकुलेशन ऊपर नीचे तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी पॉइंट अगर मान लो 8 9 दिया, हमने 8 तक लिखा, तो अप्रोक्सीमेशन इज बेटर देन एग्जैक्ट, किसी भी एग्जैक्ट वैल्यू से अप्रोक्सीमेशन ज्यादा अच्छा होता है। तो F1 लिया सबसे बड़ी, उससे पहले वाला F0, उसके बाद वाला F2, L उसकी लोअर लिमिट और H उसके बीच की वैल्यू डाल दी, सॉल्व कर ली, व्हाट एवर बी द आंसर वी विल गेट दैट वुड बी द मॉडल क्लास, समझ में, मॉडल मोड ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी।
आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको आप नोट डाउन कर लो। तो आपने देखा कि एक्सरसाइज बहुत इजी होने वाला है। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कहता है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन द हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया, फाइंड द मोड एंड मीन। मीन को खुद से इतना बताया है ना, इसको होमवर्क समझ लो। जिसमें भी मीन इसमें पूछ रहा है उसको होमवर्क समझ लो, क्योंकि मीन के रिगार्डिंग पूरी एक्सरसाइज, पूरी एग्जांपल, पूरी इंट्रोडक्शन दी है हमने। तो इसमें हमें निकालना है मोड। कहता है कि 15-20% रेशियो जो है वो तीन स्टेट ऐसे है जहां पर ये रेशियो है, उसी तरह दो स्टेट ऐसे है जहां 50-55% का रेशियो है स्टूडेंट टीचर का। ये एक डाटा दिया गया है जिसकी मोड आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप खोजोगे कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कहां है। यहां है 10, तो ये हो गया F1 is 10। फिर देखोगे कि F1 से पहले क्या है 9, तो F0 is 9। F1 के बाद क्या है 3, तो F2 is 3। F1 जो बना है उसकी लोअर लिमिट वाली फ्रीक्वेंसी क्या है, तो L is 30। और H के लिए देखोगे कि इन दोनों के बीच का गैप, इन दोनों के बीच का गैप कितना है 5, तो H की वैल्यू हो गई 5। बोलो ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आया, कोई डाउट नहीं है। इसको इरेज कर दे ऊपर वाला पार्ट को, आप क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। ये जो लैंग्वेज दिया जाएगा ना, देखो जब आपको कोई लैंग्वेज नहीं समझ में आएगा इस एक्सरसाइज में, तो डायरेक्ट आप गिवन डाटा पर आ जाओगे, आप देख लोगे कि निकालना क्या है, मोड, मीडियन या मीन, ठीक, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज कर लोगे। अभी अभी आपने मोड का फॉर्मूला इतना सारा क्वेश्चन बनाया, देखा कि L+F1 -F0 / 2F1 -F0 -F2 × H होता है। L की जगह आपने बोला सर, H की जगह 5 आया था, L की जगह बोला आपने सर 30 है, प्लस F1 की जगह 10 है, माइनस F0 की जगह क्या था 9, नॉट 0, देखो ना इससे पहले वाला F0 की जगह क्या था 9 अपॉन 2F1 यानी 2 × 10 माइनस F0 की जगह 9 माइनस F2 की जगह क्या है 3 इंटू एच की जगह क्या है 5। इसको सॉल्व करोगे तो 30 प्लस ये 10 - 9 = 1 और इंटू 5 ऊपर में आ जाएगा, नीचे में 10 × 2 = 20 माइनस 9 × 3 = 12। ये क्या आ जाएगा 30 + 5/8। इसको करोगे तो 30 प्लस डेसिमल दोगे 8 6 = 48, 8 2 = 16 एंड 8 5 = 40 यानी 0.625 आ जाएगा। यानी ओवरऑल आपके पास मोड क्या आ गया 30.625। बोलो स्टोरी समझ में आई, पक्की वाली बात। इस क्वेश्चन को इरेज कर दे। अब आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। देख लो कितना आसानी से और जल्दी जल्दी सॉल्व होता चला जा रहा है। अब इसके फिफ्थ पार्ट पे आ जाओ। यानी क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना हमें जब मोड निकालना हो तो, और मीन में भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। जिन बच्चों को समझ में आ गया होगा ना उसको मीन निकालने में भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा। और इसके बाद हम आपको मीडियन निकालना सिखा देंगे, और दैट वुड बी द ओवरऑल रिगार्डिंग स्टेटिस्टिक्स। और एक ओजाइव ग्राफ है जो मीडियन के थ्रू ही निकाल पाते हैं। इसमें कहता है द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय सम ऑफ टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन अ वनडे क्रिकेट इंटरनेशनल मैच। तो चार ऐसे बैट्समैन हैं जो 3000 से 4000 रन बनाते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, उसी तरह एक ऐसे बैट्समैन है जो 10000 से 11000 रन बनाते हैं। वो एक बैट्समैन कहा आप तो सचिन, गांगुली, बहुत सारे बैट्समैन हो गए, विराट कोहली, रिकी पोंटिंग, ठीक, बाद रखिए डाटा दिया है। तो इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है सर, तो सर 18 है। तो F1 को आपने बोल दिया 18, F1 से पहले क्या है F0, उसको बोल दिया 4 है, F1 से बाद में क्या है F2, इसको बोल दिया आपने 9 है। अब जो F1 है इसकी लोअर लिमिट क्या है 4000, तो L की वैल्यू बोल दी 4000। फिर आपने बोला H यानी इन दोनों के बीच का गैप, कितना गैप है 1000 का, तो H हो गए 1000। बोलो स्टोरी समझ में आई। अब मोड का फॉर्मूला लगा लो, मोड इज इक्वल्स टू L+F1 - F0 / 2F1 - F0 - F2 × H। बार बार फॉर्मूला लिखने का एक ही कारण है कि आपको भी धीरे धीरे याद हो जाए। L की जगह आपने डाल दिया 4000, क्योंकि इसकी लोअर लिमिट 4000 थी। F1 की जगह सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी थी 18, F0 की जगह पे उसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी थी 4/2F1 यानी 2 × 18 - F0 = 4,
माइनस एफ टू क्या है आपके पास, उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी इज 9 मल्टीप्लाइड एच की वैल्यू क्या है आपके पास 1000, क्योंकि सबके बीच का गैप क्लास के साइज को एच बोलते हैं। यहां से आपने सॉल्व किया तो मिल गया 4000 प्लस 18 माइनस 4 इज 14 अपॉन 18 टू जा 36 माइनस 9 4 13 इंटू 1000, ये आ गया आपके पास 4000 प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आ जाएगा 14000 अपॉन, इससे डिवाइड कर लोगे तो 6 माइनस 3 इज 3 एंड 3 माइनस 1 इज 2। अब इन दोनों को डेसिमल में चेंज करके 4000 से ऐड कर दोगे वो आपका मोड हो जाएगा, आप क्या डिवाइड करने जाए, इतना तो आप जानते ही हो। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5th भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे एंड दैट वुड बी द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, दिस वन इज द लास्ट वन। कहता है स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार पासिंग थ्रू ए स्पॉट ऑन अ रोड फॉर 100 पीरियड ईच ऑफ 3 मिनट, यानी 3-3 मिनट करके, अभी 3 मिनट देखा फिर आधा एक घंटा रुक गया फिर 3 मिनट देखा, इस तरह से 100 पीरियड देखता है। और वो देखता है कि पहले पीरियड में 0 से 10 कार जाती है, दूसरे इस तरह से वो डाटा गिवेन है हमारे पास, ओवरऑल डाटा का मतलब जो भी समझ में आया ठीक है, नहीं आया फिर भी कोई प्रॉब्लम है। कहता है फाइंड द मोड ऑफ द गिवेन डाटा, हमें निकालना क्या है ओवरऑल मोड। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है तो 20 है, तो 20 हो गई हमारे पास, एफ वन इज 20। अब इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी क्या है 12, तो एफ नॉट हो गई 12। इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी क्या है 11, तो एफ टू हो गई 11। इसकी लोअर लिमिट क्या है 40, तो एल की वैल्यू हो गई 40। अब इन दोनों के बीच में, हर के बीच में गैप कितना है 10 का, तो एच की वैल्यू हो गई 10। मोड का फॉर्मूला अभी अभी हमने पढ़ा है इतना सारा क्वेश्चन बनाने में, एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू ब्रैकेट इनसाइड इनटू एच, एल की जगह आपने बोला सर 40 आया है, प्लस एफ वन की जगह आया है 20 माइनस एफ नॉट की जगह आया है 12 अपॉन एफ वन, 2F1 यानी 2 इंटू 20 माइनस एफ नॉट इज 12 माइनस एफ टू इज 11 और ब्रैकेट इनसाइड इनटू एच इज व्हाट 10। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो 40 प्लस 20 माइनस 12 इज 8 अपॉन 2 2 जा 4, यानी 40 माइनस 12 एंड 11 विल बी एडेड बिकॉज माइनस माइनस साइन शुड बी एडेड, तो माइनस माइनस प्लस 2 1 3 1 1 2, यानी 23 मल्टीप्लाइड 10, ये क्या बन जाएगा 40 प्लस नथिंग इज देयर 1 इज देयर ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा, तो 80 अपॉन 10 माइनस 3 इज 7 एंड 3 माइनस 2 इज 1, इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे और जो आ जाएगा दैट वुड बी आवर मोड। आ गई बात समझ में? तो इस तरह से हमने आपको एक्सरसाइज 14.2 भी बता दिया जो सबसे इजी था, और इसमें हमने क्लास 9th की मोड भी समझा दी आपको और क्लास 10th के रिगार्डिंग सारी क्वेश्चंस बना के दिखा दी। आप इसको बनाना, कहीं भी कोई डाउट या कोई गलती दिखे तो आप कमेंट करना, बाद बाकी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसके बाद हम मीडियम लेकर आएंगे। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, कोई भी डाउट एज यूजुअल कमेंट कर दीजिए आप, बाय।